बट यार सत्यम दे तो ना, हाँ हो गया, स्लो काम कर रहा है यार। हाँ सर, रिकॉर्ड कर रहा है वो। ठीक है चलो, तो ग्राफ से मैं पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बस इतना है ना कि इसको ना, जो पोर्शन है ना 2.4 वाला, इसके सारे ग्राफ के एग्जांपल को समझ लोगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो एक्चुअली मैं सोचा था कि शीशे पे पढ़ा दूंगा, बट मेरे को मार्कर नहीं मिल रहा है कहीं भी स्टेशनरी बंद है, तो शायद कल से खुलेगा तो स्टेशनरी मिलेगी, तो मैं एक बार वीडियो करके पढ़ा दूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, ये प्रॉब्लम तो आती है ग्राफ में, अगर आप सीधा मतलब क्लास में बैठने में दिक्कत आती है यार, अब ऐसे मतलब। तो इसमें बस इतना ही है तुम लोग से कि तुम लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा ग्राफ वाला पोर्शन बार बार। और ये 30-40 पेज जो है ना, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है इस पोर्शन को बार बार। कहाँ पे गया, 9 में था ना, 9 में था ना। तो अपने पास 4 ग्राफ हो गए, ठीक है। अभी कौन सा ग्राफ था, हाँ फ्रैक्शनल भी वही 4 नाटक आएगा फिर से, जो काम का है मैंने उस दिन करा दिया था, बाकी वो सब नौटंकी है फालतू की। लेकिन अब दिया है बुक में, बुक में स्टेप वाइज भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, और बुक में किसी एक में गलत लिखा हुआ है, कोई ग्राफ गलत दे रखा है, तो वो चीज थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी इस वाले पार्ट में, मोस्टली इसी में गलत दे रखा है, ठीक है। तो पहला ग्राफ था अपना, फ्रैक्शनल में आते हैं वापिस से, तो फ्रैक्शनल अपन आए अगर, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x का फ्रैक्शनल, ये मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था, ट्राई किया था जितना पॉसिबल हो पाया था बताने का, है ना। फिर था y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल f x, फिर था y इज इक्वल टू, फिर होगा क्या बताओ, y फ्रैक्शनल y f x आएगा जबरदस्ती का, और एक लास्ट में आएगा फ्रैक्शनल y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ f x। हाँ अब ये सब ना फालतू की टाइम पास गिरी है, कुछ है नहीं, फाइन। तो अपन पहला कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला समझ में आया था, ठीक है। लेट मी टारगेट सेकंड वाला, ये मेरे काम का है, थोड़ा ज्यादा काम का है IIT में, y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल x, IIT मतलब किसी भी एग्जाम में y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल x, ठीक है। इसको तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा तुमको इमेजिन करना पड़ेगा क्या होगा। तुम देखो फ्रैक्शनल x जो रहेगा ना, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुनना, देखना यहां पे, x इक्वल टू 0.1 डाला, आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ 0.1, है ना, वो कितना होगा f ऑफ 0.1, ये समझ में आया क्या। x इक्वल टू 1.1 डाला, अब बताओ कितना आउटपुट आएगा, वापस से f ऑफ 0.1 आएगा। x को मैंने 2.1 डाला, वापस से आउटपुट कितना आ रहा है बताओ, f of 2.1 का point one. चमक रहा है point one. ये समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो fractional x है ना, जो f of fractional x है वो ना हमेशा 0 से 1 वाला ही आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब तुम्हारा ये हुआ, तो तुम्हारा fractional fx है ना, y equal to f of fractional x जो है ना will give सेम आउटपुट एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0 से 1, ध्यान देना अब, फॉर ऑल अदर x बिलोंगिंग टू i से i+1। ये बात समझ में नहीं आती है तुमको, आगे बढ़ने का मतलब नहीं है, बार बार ये बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, सोचो ध्यान से। सब लोग इस पार्ट को बार बार ध्यान से समझने का ट्राई करो एक बार, क्या लिखा है मैंने, शायद यही वाला सेक्शन गलत दिया हुआ है इसमें, बुक में मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिया तो सही है, ठीक है। हाँ समझ में आया क्या मधुकरण, क्लियर है, सोचो ना वापस, सोचो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे IIT सिलेबस के लिए, ठीक है।
इस ग्राफ पर टाइम खराब करेगी, भले आधे घंटे लग जाए, ध्यान दो क्या हो रहा है। कोई भी एफ का ग्राफ बना दिए, ठीक है, हमको ग्राफ चाहिए एफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स, ठीक है। तो जीरो से वन में तो ग्राफ वही रहेगा, कोई शक नहीं है इसमें, जीरो से वन में सेम ग्राफ रहेगा। तो डाउट है क्या इसमें कि सर नहीं जीरो से वन में अलग ग्राफ हो जाएगा? नहीं डाउट है, जीरो से वन में आपका हमेशा सेम ग्राफ रहेगा। लेकिन जब आप वन से टू में जाओगे, जब आप वन से टू में जाओगे तो क्या हो जाएगा? सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा। हाँ, क्यों? तो जब 1.1 डालोगे तो फ्रैक्शनल 1.1 क्या हो जाएगा? जब 1.1 डालोगे तो फ्रैक्शनल ऑफ 1.1 क्या हो जाएगा? 1.3 डालोगे तो फ्रैक्शनल ऑफ 1.3 क्या हो जाएगा? 0.3 0.5 0.9 1.9 डालोगे तो फ्रैक्शनल ऑफ 1.9 कितना हो जाएगा? 0.9 0.9। तो ग्राफ वापस 0 से 1 वाला जो ग्राफ 0 से 1 में था वही ग्राफ कहां आ गया? 1 से 2 में। वही ग्राफ कहां आ गया? 2 से 3 में। ये बात समझ में आती है क्या अच्छे से? हां सर, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आता है क्या कि y को f ऑफ फ्रैक्शनल x बनाना है तो जो आउटपुट 0 से 1 में आ रहा था fx का वही हर बार हर i से i प्लस 1 में रिपीट हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? अच्छे समझ में आया क्या मधुकरण? y इज इक्वल टू, ये देखो, e की पावर फ्रैक्शनल x, ठीक है। तो क्या होगा बताओ तो धनंजय, अपना ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर x का। अपन अपना ग्राफ बना देंगे y को t की पावर x का बना दिया ग्राफ, है ना। अभी अब सोचो क्या होगा, जीरो से वन में जो ग्राफ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा? जीरो से वन में जो ग्राफ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। अब मैं क्या बोला कि वन से टू में मधुकरण i से i प्लस वन में क्या होगा? बार बार वही ग्राफ, वही ग्राफ रिपीट होगा आई से आई प्लस वन में, आई से आई प्लस वन में, किसमें? आई से आई प्लस वन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। साहिल क्लियर है? साहिल क्लियर है? हाँ सर। वाई इज इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल एक्स, तो पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना दोगे, ये बना दिया जी। अब इसमें जीरो से वन का आउटपुट ढूंढ लो, तो ये रहा सर आपका जीरो से वन, यहाँ से नहीं रहे एक्स में ना, पाई बाय टू, जीरो से वन एक्स एक्सिस पे, जीरो से वन एक्स एक्सिस पे, जीरो से वन रहे, ठीक है। तो इतना ही ग्राफ रहेगा ना तेरा? हाँ सर, यहीं तक न रहे, यहाँ आ गया ना वाई बाइट, है ना। या अब यही ग्राफ रिपीट कब होगा बताओ धनंजय? वन से टू में। वन से टू, ये बात समझ में आती है कि वन से टू में रिपीट होगा, फिर टू से थ्री में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, होमवर्क क्वेश्चन है कि ये जो मैंने रेड ग्राफ बनाया है, ये लाल ग्राफ को जो ये मैंने व्हाइट बनाया है, ये वाला ग्राफ, ये इस वाले रेड के ऊपर रहेगा रेड के नीचे रहेगा? चंपा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ जो मैंने वन से टू में जो ग्राफ बनाया है, जो वन से टू में जो बनाया है मैंने, विल इट इंटरसेक्ट रेड वाला पोर्सन? कैसे मालूम चलेगा? यहाँ पे वैल्यू कितनी है बताओ तो, यहाँ पे वैल्यू इज साइन वन, यहाँ पे वैल्यू कितना है? साइन वन, है ना, और यहाँ पे वैल्यू कितना है? साइन टू, है ना। तो साइन वन बड़ा है कि साइन टू बड़ा है बताओ? साइन टू। ये देखना पड़ेगा ना, इंटरेस्टिंग है, बताओ साइन वन बड़ा है कि साइन टू बड़ा है? साइन टू बड़ा है। क्यों 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 भाई, क्यों ऐसे इतना इतना श्योर? मैं भी नहीं बोल पाया, मुझे भी सोचना पड़ता है, श्योरली कैसे बोल दिए धनंजय बताओ तो, साइन टू कैसे श्योरली बोल दिए तुम लोग? सो वैल्यू देख सकते हैं पाई बाय 2 से अप्रोक्स 1.57 से अबाउट जो होगा, ग्राफ सिमेट्रिकल होता है ना दोनों साइड, तो 1.57 से यहाँ 0.43 नीचे गए हैं और यहाँ पे 0.57 नीचे गए हैं ना। अरे हाँ या ना? हाँ सर, है ना। या इतना समझ में नहीं आता है, ऐसे मान लो साइन टू इज बड़ा देन साइन वन, फिर साइन टू माइनस, ये तो अपने को करना आता ही है ना यार, है ना। और फिर साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? साइन सी वन साइन वन बाई टू और कॉस थ्री बाई टू, तो ऑब्वियसली ये चीज पॉजिटिव है, दैट मीन साइन टू इज बड़ा देन साइन वन। समझ में आया क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, इसका हम लोग को बहुत काम आएगा इन सब चीजों का,
ये क्लियर है? वैसे मुझे एक चीज बताओ, इस सेम ग्राफ को समझने का एक और तरीका हो सकता है ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स को समझने का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बट टफ तरीका, लंबा तरीका हो सकता है। एक्स जीरो से वन में है तो क्या ग्राफ लोगे? एफ ऑफ एक्स। एक्स वन से टू में है तो क्या ग्राफ लोगे बताओ तो? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ समझे? ये लंबा तरीका है समझने का, ये लंबा तरीका है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये? ये क्या कहा, वन से टू में कौन सा ग्राफ लोगे? एफ ऑफ एक्स माइनस वन का सेक्शन है ना, तो एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बना कैसे होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बना कैसे होगा? एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट, पीछे नहीं, एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट किया गया होगा ना? शिफ्ट किया है। हाँ, और वो क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन का वो सेक्शन लो जब एक्स वन से टू में है। तो अगर एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को वन यूनिट शिफ्ट करके तुम एफ ऑफ एक्स माइनस वन का बनाए हो और वो वाला ही सेक्शन ले रहे हो, इसका मतलब तुम एक्चुअल में कौन सा सेक्शन ले रहे हो जो जीरो से वन में एफ ऑफ एक्स का था। ये बात समझ में आई क्या? ये लॉजिक इट्स अ बिट टफ लॉजिक बट ये प्रॉपर लॉजिक है, ये समझ में आता है। अभी अपना क्या बचा फिर एक और फ्रैक्शनल वाई इज इक्वल, अब ये उतना काम का नहीं है बट करने के लिए कर रहे हैं बस, ये उतना काम का नहीं है। ठीक है, वापस से डोमेन आ जाएगा, डोमेन क्या रहेगा? ओनली दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स lies between 0 से 1, all other values removed। क्या भाई ध्यान आ रहा है? all other values removed। ठीक है, अब ये आपका पहला पार्ट था, चलो हो गया रिमूव। अब मुझे बताओ, लेट से किसी इंस्टेंट पे एफ एक्स की वैल्यू 0.1 है, ठीक है, तो अपने पास क्या आया? फ्रैक्शनल वाई का वैल्यू कितना आया? फ्रैक्शनल वाई इज इक्वल टू 0.1। इसका मतलब वाई क्या हो सकता है? 1.1। वाई क्या हो सकता है? 2.1। 2.1 वाई, समझ में आ रहा है? वाई हो जाएगा 2.1, वाई हो जाएगा 3.1। समझ में आ रहा है? अगर एफ एक्स की वैल्यू 0.4 है तो फ्रैक्शनल वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0.4। इसका मतलब वाई का वैल्यू कितना आ गया? 1.4। 2.4। 3.4। समझ में आ रहा है? हाँ सर। 4.4 समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? तो इसका मतलब अगर एफ एक्स की वैल्यू लेट से 0.6 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 1.6 1.2.6 3.6। समझ आ रहा है? 4.6। ये चलते रहेगा। इतना क्लियर है क्या? तो ग्राफिकली क्या होगा बताओ? हमने बनाया f ऑफ x का ग्राफ, लेट से ये मैंने बना दिया f ऑफ x का ग्राफ, ये जीरो है, ये फाइव है, लेट से कि ये मतलब नहीं, वैसे लेट से थ्री है, बोल दिया थ्री, ऐसी बोल दिया, और ये वन है और इसको टू बोल दिया, और हमको मतलब ही नहीं है ना ऊपर से, हम लोग क्या करेंगे बताओ? हटा देंगे पूरा। बस कौन सा ग्राफ का सेक्शन अलाउ, अभी हम लोग फिलहाल के लिए कौन सा ग्राफ का सेक्शन अलाउ करेंगे? जीरो से वन है, तो ये जीरो है, ये फाइव है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपको क्या सिग्निफाई करेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन वाई इज इक्वल टू वन को सिग्निफाई करेगी। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हटा दिया, अब क्या करना पड़ा? हम लोग बनाना क्या है वैसे? फ्रैक्शनल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ना। तो जो तुमने खुद ही बोला कि सर जब y की वैल्यू 0.6 है, जब y की वैल्यू 0.6 है सर, तो वहां पे सॉरी
जब x की वैल्यू सर 0.6 आ रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब fx की वैल्यू 0.6 आ रही है तो वहां पे y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0.6, 1.6, 2.6, चमक रहा है? तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा ये ऊपर बढ़ जाएगा ना हर बार, दिस ग्राफ मूव्स अप। यहां पे तुम देखो, यहां पे वैल्यू मान लो कि आपका जो हाइट है, लेट से ये आपका पॉइंट मान लो y कोऑर्डिनेट इसका बोल देते हैं 1/3, मतलब 1/3 नहीं बोलते, लेट से 0.25 बोल दिए, आपको सेम चीज इस वाले y पर भी मिलेगा ना, क्या मिलेगा यहाँ पर भी आपको 1.25, ये बात चमक रही है, ऐसे ही आपको और ऊपर मिलेगा, ये बात क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट है ये डिफिकल्ट है, थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा चमकता है, क्या है सेकंड स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या हुआ, रिमूव ऑल द सेक्शन ऑफ द फंक्शन व्हिच इज नॉट बिटवीन 0 से 1, ओके। अब जो fx का पोर्शन 0 से 1 में फंसा हुआ है उसको वर्टिकली क्या करो, उसको वर्टिकली रिपीट कर दो, जो fx का पोर्शन 0 से 1 में फंसा है, ट्रैप्ड है, तुम लॉजिक समझ गए, लॉजिक क्या है, ट्रैप्ड है, उसको वर्टिकली, उसको वर्टिकली क्या कर दिया जाए, रिपीट कर दिया जाए ना ऊपर, सिंपल सी बात है ना, वर्टिकली रिपीट कर दिया जाए, चमका का लॉजिक क्या था, पर लॉजिक समझो, लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्या था? हाँ सर, क्या हुआ कि तुमने fx को फंसाया 0 से 1 में, ठीक है, कहा कि यार ये तो 0.1 है, ओके, तो फ्रैक्शनल y का वैल्यू 0.1 है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना है, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, मतलब जो भी फंक्शन का पार्ट 0 से 1 के हॉरिजॉन्टल दो लाइन के बीच में फंसा है वो एज इट इज ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकली रिपीट हो जाएगा, ये क्लियर है क्या? हाँ सर, वैसे भी ग्राफ काम का नहीं है आपके, ठीक है, बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट आ गया ना, एक और इसका घटिया पार्ट, फ्रैक्शनल वाई इक्वल टू फ्रैक्शनल एफ एक्स, फ्रैक्शनल एफ ऑफ एक्स, बताओ कुछ लॉजिक बताओ क्या होगा, कुछ सोचो, पहले क्या किया जाए, पहला स्टेप क्या बनाया जाए, बोलो, मुझे तो सेम वही चीज लग रही है कि फॉर वही चीज जो जीआईएफ में था कि एफ एक्स जब 0 से 1 में रहेगा, है ना, एफ एक्स को 0 से 1 में फंसाना है और y की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी बताओ, 0 से 1 y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 0 से 1 से 2 1 से 2 1 से 2 2 से 3, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अरे ये चीज क्लियर है क्या, क्योंकि fx की वैल्यू तो जब ही fx की वैल्यू कुछ भी रहे, ध्यान दो, fx की वैल्यू 0 से 1 रहे चाहे कुछ भी रहे, इसकी जो वैल्यू है ना फ्रैक्शनल वाले की, इसकी वैल्यू हमेशा कहां से कहां फंसने वाली है, ये तो हर पार्ट को ही 0 से 1 में नीचे कर देगा ना हमेशा। हाँ। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ आपका मतलब ही नहीं बनता ना, आपका fx से 1 से 2, fx आपका 1 से 2, तो वापस से आपका ये y का सारा पार्ट रिपीट कर जाएगा, आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से, ये मैं वापस से बता रहा हूँ, सुनो, फ्रैक्शनल y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल fx, ठीक है, पहले क्या बनाओगे, एज यूजुअल पहले क्या बना ले, ये बना ले, है ना, और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू, अरे हेलो समझ में आया क्या? हाँ सर, यही दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो पहला तो पढ़ा चुके हैं आपको, आपको पहला वाला पढ़ाया था ना मैंने, y इक्वल टू फ्रैक्शनल fx, है ना, और अभी जो तीसरा वाला है वो आपको आज पढ़ा दिया, है ना, तो मर्ज करते हैं दोनों को, देखते हैं, लेट से कोई ग्राफ बना लेते हैं, लेट से कि ये वाला ही ग्राफ अपन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा दूर तक चला गया यार ये, हेलो, हाँ हाँ
पहला स्टेप क्या, अपन कोई ग्राफ ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो लेट से कि मैंने यही ग्राफ ले लिया, ठीक है, तो ये ग्राफ को अपन मान लेते हैं 1 हाइट है और ये ग्राफ मान लेते हैं 2 है, तो ज्यादा ये भी लंबा और टफ हो जाएगा, और लंबा नहीं है ना यहाँ पे। कैसे बनाऊ मैं आपको छोटा सा बचा था एग्जाम्पल, छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल देना चाहता था उसमें। चलो ये ले लेते हैं, ये भी तो बेकार ही है, तो ठीक है ना, ये भी बेकार है, क्या बेकार बेकार, ठीक है ये भी अच्छा है, ये 1 है ये 2 है ना। पहला स्टेप क्या बनाएंगे धनंजय, y is equals to fractional fx, ठीक है ना, ये हमको बनाने आता है ना। ये अपन क्या करते हैं, जो 0 से 1 में रख लेते हैं है ना, और वहां से वर्टिकल लाइन खींच के इसको नीचे कर लेते हैं, अरे हाँ या ना, समझे ना, ये y is equals to x square ग्राफ मान लो, ठीक है। तो लाल ग्राफ, लाल ग्राफ जो है ना तुम्हारा, वो y is equals to x square का है, ठीक है। तो ये जो येलो ग्राफ है मैंने उस पर फ्रैक्शनल लगा दिया, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने, ये बात समझ में आती है आपको ना, फ्रैक्शनल ऑफ, हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी ये मान लो कि ये रूट टू वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपका ग्राफ बन गया, आपका येलो ग्राफ बन गया जी, हेलो, बाकी और भी आगे बन रहा होगा, हम उससे कंसर्न नहीं है, यहाँ रूट थ्री हमको बस इससे मतलब है। अभी ये बन गया, अब ये ग्राफ पे अपन को क्या करने का, इस ग्राफ के वाई कोऑर्डिनेट पे अपन को फ्रैक्शनल लगाने का है ना, y कोऑर्डिनेट पे अपन को फ्रैक्शनल लगाने का है ना। तो y कोऑर्डिनेट पे फ्रैक्शनल लगाने के लिए आपके पास स्टेप्स क्या हैं, कि जो ग्राफ है उस ग्राफ को पहले 0 से 1 में फंसा लो, ओके, ग्राफ तो हमारा ऑलरेडी 0 से 1 में ही है ना, और उसके बाद उसको वर्टिकली रिपीट मार दो, उसको वर्टिकली रिपीट मार दो। चलो ग्राफ रिपीट मारा जाए, क्या होगा बताओ, ये ऐसा है ना, ये ऊपर वर्टिकली रिपीट मार दिए, इसको भी रिपीट मार देंगे, ऐसे गया ये, ऐसे गया ये, ऐसे गया ये, ऐसे, ये ऐसे, चमका क्या मैंने क्या किया, हाँ सर अच्छे समझ में नहीं आया, वापस सुनो, क्या कहा मैंने, पहले मैंने y equals to fractional fx बना दिया, बना दिया, उसका मैं कह रहा हूँ कि y कोऑर्डिनेट पे फ्रैक्शनल लगाने का है। तो वंस वी हैव टू अप्लाई फ्रैक्शनल ऑन y कोऑर्डिनेट, क्या कर सकते हैं अपन, अपन को तो एक ही तरीका मालूम है ना, y पे फ्रैक्शनल लगाने के लिए, y पे फ्रैक्शनल लगाने के लिए अपने को एक ही तरीका मालूम है ना, कि जो भी फंक्शन होगा, जो ग्राफ होगा, उसको 0 से 1 में फंसा लो। एक बार जब 0 से 1 में ग्राफ को फंसा लिए, उसके बाद क्या करना पड़ता है अपन को, उस ग्राफ को वर्टिकली ऊपर नीचे रिपीट करना होता है। ये बात क्लियर है क्या अच्छे से, अरे हेलो, क्लियर है, हाँ सर, ये आज जो पढ़ाया है उसके आधार पे वापस से एक बार सेक्शन 2.4 में जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस हैं अब अदर देन इनवर्स वाले, जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस हैं अदर देन इनवर्स वाले, स्पेशली मॉड्स वाले सारे बनाओ, काफी क्वेश्चंस है ना इसमें, हेलो, हाँ सर, जो भी इसमें सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो अभी आपका कल के लिए होमवर्क है। सेक्शन 2.4 में जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, लिसन टू माय वर्ड्स, जितने भी, अब आपको समझ में आ गया ना, आप इसी में फंस रहे होगे, एक बार जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ओनली सॉल्व क्वेश्चंस, जस्ट सॉल्व देम फॉर टुमारो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह यूज किया गया है उसको आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना क्लियर है क्या, हाँ सर, अरे सभी को क्लियर है क्या, इतना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर। तो अभी सबको कल का होमवर्क क्लियर है ना, अभी मैं इतना पढ़ा था बता दिया, बिल्कुल ईमानदारी से सेक्शन 2.4 का अब हर सॉल्व क्वेश्चन बनाना है तुमको, ठीक है, हर सॉल्व क्वेश्चन जो नहीं बनता है पूछना मुझसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हाँ सर, अरे क्लियर है क्या ये, हाँ सर, चलो ठीक है। और मैंने ये, अच्छा आपका, और मैंने जिया उसका कंपोजिशन में कुछ होमवर्क दिया था ना आपको, तो हाँ सर, हाँ सर, 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ठीक है, चलो मैं कल उसको डिस्कस कर लूंगा, चलो ओके।